है नहीं थी भरद्वाज, यहां किन कारण? भरद्वाज कहता है कि नहीं नहीं ये मातृश पितृश कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, न इति भरद्वाज यहां किन कारणम, नहीं माता न पिता न आत्मा न सात्म्यम न पान अशन भक्ष लेपयोगा। हाँ, यानी रस, रस जो चायम गर्भ है ना, तो रसज की बजाय उसने चारों चीजें लिखी कि नहीं पान अशन भक्ष लेपयोगा। हाँ, पान पीतम अशन अशितम भक्ष खादितम और लेह लीढ़म, अशितम खादितम पीतम लीढ़म, ऐसे चतुर्विध आहार होता है उनका उसने उल्लेख किया। नहीं पान अशन भक्ष लेपयोगा गर्भम जनयंती न च परलोकाद्य गर्भम सत्वम अवक्रामती। यहां पर भी देखिए सत्व ज नहीं लिखा उसने भी, भरद्वाज ने, उसने आक्षेप क्या लिया कि परलोक से सत्व, सत्व यानी अस्तित्व का साधन, परलोक से आकर गर्भ में आता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए ये जो आत्मा नहीं है ऐसा कहने की वृत्ति आज की नहीं है, ये सदियों से है, शतकों से नहीं, सदियों से, यानी सहस्रों से, हजारों साल से इस प्रकार का आक्षेप लिया जा रहा है। अभी देखिए, देखिए नीचे क्या लिखा है, पूर्व पक्षोद्धारेण सिद्धांतम ग्राहितुम। पूर्व पक्ष का उद्देश्य क्या होता है कि पूर्व पक्ष का उद्धार करके, उद्धार यानी उसको उखाड़ कर फेंकने से सिद्धांतम ग्राहितुम, सिद्धांत का ग्रहण होता है। पूर्व पक्ष का उद्धार, उद्धार यानी आपण जे मराठीत म्हणतो की त्याचा उद्धार केला असं नाहीये, उद्धार का मूल अर्थ है उद्धार, उखाड़कर फेंक देना यानी समूल नष्ट करना, ऐसा उद्धार शब्दरिक्ति का मूल अर्थ है। पूर्व पक्ष जो रखा होता है उसका खंडन करना, उसे उद्धार कहा जाता है। अस्तु, पूर्व पक्ष उद्धारेण सिद्धांतम ग्राहितुम वगैरह वगैरह, तो उसका उद्देश्य ये है। आगे फिर उसका भी निर्णय करते हैं, यानी उस पूर्व पक्ष का वो विस्तार कर रहा है कि देखो मातृज क्यों नहीं होता है, पितृज क्यों नहीं होता है, मैं क्यों ऐसे नाकार रहा हूं, मैंने मातृज पितृज गर्भ नहीं है थे क्यों बोल रहा हूं, ऐसे अपने पूर्व पक्ष को स्पष्टीकरण देगा भरद्वाज। यदि ही अगर माता पितरों गर्भम जनयता, माता और पिता से गर्भ निर्माण होता तो भूयस्यः अनेको बहुसंख्य मेजॉरिटी ऑफ द भूयस्यः स्त्रियः पुमांसश्च पुमान, ऐसा एक वचन पुल्लिंग शब्द है पुमान, पुमान का बहुवचन हुआ पुमांसः, स्त्री ऐसा एक शब्द है, एक वचन है उसका स्त्रियः, ऐसा बहुवचन हुआ भूयस्यः यानी बहुतेक सगले ऑलमोस्ट ऑल, भूयस्यः भूयस ऐसा मूल शब्द है, इसलिए भूयसा उसकी तृतीया होती है, व्यपदेशस्तु भूयसा बहुत्वसे नामकरण होता है, इसे व्यपदेशस्तु भूयसा भूयस ऐसा मूल शब्द है, इसलिए भूयस्यः स्त्रियः पुमांसश्च बहुधा सभी स्त्रियों को और पुरुषों को पुत्र कामाः, उसको उसके वंश में पुत्र जन्म होना चाहिए ऐसी इच्छा होती है, वे पुत्र कामाः संति, संति शब्द यहां पर वाक्य शेष है यानी वो लुप्त है लेकिन प्रतीयते, ये लुप्ता अपि प्रतीयन्ते एव, जो नहीं है फिर भी आपको समझ में आते हैं, ऐसे शब्दों को वाक्य शेष कहा जाता है। अस्तु, तो प्रायः सभी लोग, सभी स्त्रियाएं, सभी पुरुष पुत्र कामाः संति एव, हमें पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए हमारे घर में, हमारे वंश में पुत्र का जन्म होना चाहिए ऐसी इच्छा रखते हैं। ते सर्वे पुत्र जन्म अभिसंधाय मैथुन धर्मम आपद्यमानाः पुत्रान एव जनयेयुः दुहितृर्वा दुहितृ कामाः। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं नहीं मेरे घर में कन्या का जन्म होना चाहिए, दुहितृ कामा, दुहिता यह कन्या का पर्यायी शब्द है, दुहितृ ऐसा मूल शब्द है, इसलिए दुहितृ का दुहिता होता है, पितृ का पिता होता है, मातृ का माता होता है, नेत्रु का नेता होता है, वैसे दुहितृ कामा कन्या का जन्म मेरे घर में हो ऐसे इच्छा रखने वालों को कन्या मिल जाती है, और पुत्र कामा तो प्रायः सभी होते ही हैं, उनको पुत्र मिल जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। न तो काष्ठि स्त्रियः केचिद् वा पुरुषा निरपत्या स्यु अपत्य कामा वा परिदेवेरन, कुछ ऐसे होते कि जाए भाई कुछ भी हो जाए अपत्य कामा, स्त्री गर्भ हो या पुरुष गर्भ हो, मुलगा हो या मुलगी हो, पुत्र हो जाए या कन्या हो जाए, कम से कम अपत्य तो हो जाए, अपत्य कामाः निरपत्याः न काचित् स्त्रियः पुरुषा वा परिदेवेरन, परिदेवेरन पीड़ा होना, एक्चुअली वेदना शब्द है, वेदना का परिदेवना ऐसे होता है, ये वर्ण विपर्य है, परिदेवेरन परिदेवना ये क्या है,
ये वर्ण विपर्य होता है। वर्ण विपर्य का मतलब क्या होता है कि शब्द अक्षर उल्टे पलटे हो जाते हैं, ऐसे होता है। चिकटवलं का चिटकवलं खरं काय मराठी, चिकटवलं का चिटकवलं, तर चिकटवलं हे खरं शुद्ध शब्दाचं रूप आहे, पण अनेक लोक म्हणताना काय म्हणतात चिटकवलं चिकटवलं काय फरक पडतो, हे वर्ण विपर्य आहे। जैसे मूल संस्कृत शब्द है अज्ञानी, अज्ञानी का हिंदी में क्या हुआ अनाड़ी, अनाड़ी का मराठी में क्या हुआ अडानी, तो ड न न ड ये उल्टे पुलटे होते रहते हैं, तो ये होता है। तो परिदेवना परिवेदना परितहा वेदना यानी पीड़ा होती है। पीड़ा क्या होती है कि हमारा मूल नहीं, हमारा मूल नहीं, हमें बच्चा नहीं है, वी डोंट हैव चाइल्ड, इस प्रकार की वेदना है। परिदेवेर न, अगर माता और पिता से ही गर्भ होता तो माता पिता जिस प्रकार का गर्भ चाहते उस प्रकार का, जिनको पुत्र चाहिए उनको पुत्र हो जाता, जिनको कन्या चाहिए जिनको कन्या हो जाती, और जिनको कोई भी अपत्य चाहिए उनको अपत्य हो जाता, कोई निरपत्य रहता ही नहीं। हमारा मूल नहीं है, हमें बच्चा नहीं हुआ, इस प्रकार से कोई दुख में परिदेवेरन परिदेवना वेदना में नहीं रहते। गीता में भी ये शब्द आता है तत्र कहाँ परिदेवना, कि जन्म होना है मृत्यु होना है ये तो संसार का नियम है, तत्र कहाँ परिदेवना, उसमें क्या वेदना की बात है, इस तरह से। तो इस तरह से ये वर्ण विपर्य ऐसे कुछ शब्द आते रहते हैं। अस्तु, तो इसने पहला प्रश्न ये पूछा कि अगर माता या पिता गर्भ का कारण होते तो फिर उनकी इच्छा के अनुसार सभी को पुत्र सभी को कन्या या सभी को ही अपत्य की प्राप्ति होती, कोई बंध्य नहीं रहता, निरपत्य अपत्य नहीं है, ऐसा कोई रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा तो नहीं देखा जाता है, पुत्र की इच्छा है फिर भी कन्या हो जाती है, कन्या की इच्छा है पुत्र हो जाता है, अपत्य की इच्छा है अपत्य होता ही नहीं है। अगर माता पिता ही गर्भ के कारण होते तो उनकी इच्छा के अनुसार गर्भ होता ना, वो तो होते हुए नहीं दिखाई देता, इसलिए ना माता गर्भ का कारण है ना पिता गर्भ का कारण है, ऐसे उसने पूर्व पक्ष रखा। आगे न च आत्मा आत्मानं जनयति, आत्मा ज गर्भ, ये वाक्य ही गलत है। आत्मा आत्मा को कैसे जन्म दे सकता है, आत्मा आत्मानं न जनयति, यदि ही आत्मा आत्मानं जनय जातो वा जनय आत्मानं अजातो वा तच्च उभयता अपि अयुक्तम्, ये वाक्य ही आपका गलत है। यदि ही अगर आत्मा आत्मानं जनये, अगर आत्मा आत्मा को जन्म देता है, जातो वा जनयेत आत्मानं अजातो वा, तो मुझे आप ये बताइए कि ये जो आत्मा दूसरे आत्मा को जन्म दे रहा है, आपने कहा ना आत्मा जो स्वयं गर्भा, तो आत्मा से जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसा आपका मतलब हुआ। तो अभी आप मुझे बताइए ये जो यदि ही आत्मा आत्मानं जनयेत, आत्मा आत्मा को जन्म दे रहा है, तो जातो वा जनयेत अजातो वा, ये जो जन्म देने वाला मूल आत्मा है पेरेंट आत्मा है, इसका जन्म हुआ है या जन्म नहीं हुआ है, अभी इस शब्द में पकड़ रहा है कि जो आत्मा गर्भ को निर्माण करता है वो जो आत्मा है वो स्वयं जात है या अजात है, यानी उसका कभी जन्म हुआ था या वो अजन्मा है। आप कुछ भी बोलो अभी उस पर आक्षेप लेगा, क्या आक्षेप लेगा, नहीं तच्च उभयता अपि अयुक्तम, आप अगर कहोगे हाँ जो आत्मा गर्भ को जन्म देता है उसका कभी जन्म हुआ था, तो वो भी गलत है क्योंकि आत्मा का जन्म नहीं होता है। और आप कहोगे नहीं नहीं ये अजात है, तो जो अजात है वो किसी को जन्म दे ही नहीं सकता, ऐसे आक्षेप लेगा। देखिए, नहीं जातो जनयति सत्वा, अगर ये पहले से उसका जन्म हुआ है तो और उसका क्या जन्म होगा, पिष्ट पेशन गवाचं पीठ दळून आणलं, ऐसे तो नहीं होता है ना। आप आटा पीसकर नहीं लाते हो, आप गेहूं पीसकर लाते हो, है ना, जो पिष्ट है उसका पिरसे पेशन नहीं होता है। अगर आत्मा का जन्म हुआ है ऐसा आप कहोगे तो अभी उसका और कैसे जन्म होगा, जन्म से फिर से जन्म नहीं होता है ना। तो नहीं जातो जनयति सत्वात, क्योंकि वो तो अस्तित्व में है सत्वात, बिकॉज इट इज इन एग्जिस्टेंस, तो कैसे होगा ऐसे। न च अजातो जनयति असत्वात, अब आप कहने नहीं अजात है ये, अभी जिसका जन्म नहीं हुआ वो और दूसरे को कैसे जन्म देगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं है। देखिए पकड़ रहा है कि अगर जन्म देता है ऐसा आप कहोगे तो उसने दो प्रश्न पूछे कि ये जो जन्म देने वाला आत्मा है ये स्वयं जात है या अजात है। अगर ये जात है यानी अस्तित्व में है तो उसको फिर से अस्तित्व में लाने की क्या आवश्यकता है, वो तो पिष्ट पेशन हो गया। और अगर ये अजात है तो ये अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है ये दूसरे के अस्तित्व का कारण कैसे होगा, तो न अजातो जनयति असत्वात, वो है ही नहीं। तस्मात, इसलिए उभयथा अपि, दोनों ओर से अनुपपत्ति आप जो कह रहे हो वो सुसंगत नहीं है। तिष्ठतु तावदेतत्,
ठीक है, ये भी छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, लीव इट। उसको संस्कृत में किसने क्या कहा, तिष्ठतु तावदेत, तिष्ठतु रहने दीजिए, तिष्ठतु लीव इट, खड़ा रहने दीजिए उसको, तिष्ठतु तावत एतत, ये ऐसे ही खड़ा रहने दीजिए, लेट हिम स्टैंड अपार्ट। ओके, यदि अयम आत्मा आत्मानं शक्तो जनयितुं स्यात्। अच्छा चलिए, आपका मान लिया कि आत्मजहा गर्भः, कि यदि अयम आत्मा, अगर यह आत्मा, यदि अगर अयम यह आत्मा आत्मानं शक्तो जनयितुं, आत्मा को जन्म देने में शक्त, समर्थ, केपेबल है, स्यात् है, न तु एनम इष्टासु एव कथम येनिषु जनयेत। फिर से वही प्रश्न जो चरकचारी एक में पूछा था कि स्वतंत्रश्चेत अनिष्टासु कथम येनिषु जायते। अगर आत्मा खुद को जन्म देने में सक्षम है तो न तु एनम अनिष्टासु एव कथम योनिषु जनयेत। अगर ये खुद को जन्म देने में सक्षम है तो ये इष्ट योनि में ही खुद को जन्म क्यों नहीं देता है, क्योंकि यह स्वयं वशी है, अप्रतिहत गति है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, सारा उसके वश में है। तो ये इष्टासु एव योनिषु न तु एनम इष्टासु एव कथम येनिषु न जनयेत। ऐसा क्यों नहीं होता कि अपने को जो इष्ट योनि है, कंफर्टेबल योनि है, अच्छी योनि है, अच्छा जन्म है, उसमें जन्म क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये तो स्वयं वशी है, अप्रतिहत गति, उसको रोकने वाला कोई नहीं, कहीं पर भी वो जा सकता है, कामरूपिनम, कामरूप जैसा इच्छा वैसे करने की क्षमता होने वाला, तेजो बल जव वर्ण सत्व सहन समुदितम अजरम अमरम, ऐसा है ये जो आप आत्मा बोलते हो, ये कैसा है, ये तेजो युक्त है, बल युक्त है, जव जव यानी गति, मनोजवम गति युक्त है, वर्ण युक्त है, सत्व युक्त है, सहनन समुदितम है, अजर है, अरुज, अरुज यानी रोग रहित है, अमर है, अजर अरुज अमर। आपको अजर अमर शब्द पता है, अजरामर शब्द हम कहते हैं, बीच में एक नया शब्द आ गया, अरुजम, वार्धक्य भी नहीं, रोग भी नहीं, मृत्यु भी नहीं। एवं विधा आत्मा आत्मानम इच्छति अतो वा भूयः। आत्मा तो ऐसे इच्छा करेगा ना कि मैं ऐसे उत्तम स्थिति में जन्म ले लूं, फिर अनिष्ट योनि में क्यों जाता है। इसलिए आप जो कह रहे हैं वो दोनों तरह से गलत है, जात है तो जन्म नहीं देगा क्योंकि पहले से अस्तित्व में है, अजात है तो जन्म नहीं दे सकता क्योंकि स्वयं ही अस्तित्व में नहीं है, तिष्ठ दुतावत तो ये छोड़ दीजिए, अच्छी योनि में क्यों नहीं जन्म लेता है अगर सारा उसके वश में है तो। फिर आगे असात्म्य जश्च अयम गर्भः।